कोड़ी भयो राजा कियो जतन अनेक पे एक न लागे कहियो हंसन मगाई बदिक बुलाए कही बेग ही उपाय करो जहाँ तहाँ ढूंढ आहो यहाँ लगे लाइए यहाँ लगे लाइए। आज आपको सुनाने जा रही हूँ संत निष्ठ हंसों की कथा। तो शुरू करती हूँ। बोलो राधे रानी सरकार की जय। एक राजा था, उसे कुष्ठ रोग हो गया था। वैद्य ने कहा, हंसों को मारकर बनाई हुई औषधि से ही आपका देह कुष्ठ रोग से मुक्त हो सकता है, आप ठीक हो सकते हैं। राजा के आज्ञा अनुसार चार बधिक हंसों को लाने के लिए मानसरोवर पर गए। चार सैनिक मानसरोवर पर गए हैं, परंतु हंस इन्हें देखते ही उड़ जाते थे। बधिकों ने देखा, कोई साधु संत जब उनकी ओर आता है तब तो वे डरते नहीं हैं। इस रहस्य को जानकर चारों बधिक ब्राह्मण वेश बनाकर मानसरोवर पर गए। हंसों ने इन्हें ब्राह्मण वेश में देखकर भी ये जान लिया कि ये बधिक ही हैं, ये हमें बंधन में बांधने के लिए आए हैं। वेश बनावटी है, फिर भी वेश निष्ठा से वे अपने को बंधवा लिया। हंसों ने अपने आप को बंधवा लिया, जाल में आ गए। बधिक हंसों को लेकर राजा के पास आ गए। हंसों की संत वेश निष्ठा, कि संतों के वेश का सम्मान करते थे वो हंस। उनकी निष्ठा देखकर भगवान ने वैद्य का स्वरूप धारण कर लिया। एक पक्षी होकर भी उनके अंदर निष्ठा थी कि जो ब्राह्मण वेश में आएगा उसके साथ ही हम बैठेंगे, उसके साथ ही हम रहेंगे। तो उनकी इस भावना को देखकर भगवान वैद्य का रूप धारण करके आ गए और उसी राजा के नगर में जाकर घोषणा कर दी कि मैं कुष्ठ आदि सभी असाध्य रोगों की सफल चिकित्सा करता हूँ। और लोग इन्हें राजा के समीप ले गए। भगवान ने कहा, आप इन पक्षियों को छोड़ दें, मैं आपके शरीर को अभी अभी बिल्कुल ठीक कर दूंगा, बिल्कुल रोग मुक्त कर दूंगा। राजा ने कहा, ये तो बड़ी कठिनता से हमें मिले हैं, कुष्ठ रोग ठीक हुए बिना हम इन्हें कैसे छोड़ दें। यह सुनकर वैद्य जी ने अपनी झोली से औषधि निकाली है और पिसवा कर राजा के शरीर पर मलवाई। राजा का कुष्ठ रोग दूर हो गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, उसने हंसों को छोड़ दिया। इस चरित्र को देखकर बधिकों ने अपने मन में विचार किया कि जिस वैष्णव भेष को पक्षियों ने ऐसा विश्वास किया उसी के फलस्वरूप उनके प्राण बच गए। जिन हंसों ने वैष्णव धर्म पर वैष्णव भेष पर इतना विश्वास किया कि आज भगवान स्वयं उनके लिए ब्राह्मण भेष करके वैद्य के रूप में आ गए, उसके फलस्वरूप उन हंसों के प्राण बच गए। ऐसे भेष को हम मनुष्य होकर कैसे छोड़ दें, कैसे हम भगवान के उपासक ना बने, उनकी सेवा ना करें, संत सेवा ना करें। इस प्रकार वे बधिक सच्चे संत बन गए। उन्होंने वेश का त्याग नहीं किया, उनकी मति भगवान की भक्ति में मग्न हो गई। बहुत ही सुंदर भाव है, पूरे मैं आपको सुनाती हूँ, ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोड़ी भयो राजा कियो जतन अनेक पे एक न लागे कहियो हंसन मगाए बधिक बुलाए कही बेग ही उपाय करो जहाँ तहाँ ढूंढे आहो यहाँ ले आइए। कैसे करे लाभे बेतुर रहे मान सर माज लाभंगे छूटेंगे तब जने चार जाइए। देखत ही उड़े जाते जाते को पहचान लेत साधु से ना डरे जान भेस ले बनाई। एक कहे जहाँ हंस संत बानो सो प्रसन्न देख जान के बांधाए राजा पास लेके आए हैं। माने मते सार प्रभु वैद्य को स्वरूप धार पूछ के बाजार लोग धूप ढिग लाए हैं। काहे को मगाए पंछी ब्राह्मण वेशधारी भगवान कह रहे हैं राजा से, काहे को मगाए पंछी अच्छी हम करें दे छोड़ दीजे इन्हें कही नीठ कर पाई है। औषधि पिसाए संग अंग मलाए किए निके सुख पाए कही उनको छुटाई है।
ले वो भूमे गाऊं बलि जाऊं या दयालता की भाले भाग ताके जाको दर्शन दीजिए। पायो हम अब सब करो हरि सेवा मानुष जन्म ताकि सफलता कीजिए। करि लेने देश देश भक्ति बेसार भयो हंस हित सारे जान ही ये धार लीजिए। बदे कने जाने जासो खगन प्रतीत किन ऐसो भेष छोड़िए ना रखियो मत बीजिए। बहुत ही सुंदर भाव है जब हम ऐसी संतों की ऐसी भक्तों की कथा सुनते हैं। हम तो मानव स्वरूप में आए हैं, वो तो पक्षी थे ना, पक्षी रूप में थे ना हंस। उनकी भाव व्यक्ति जब ऐसी हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं, हम क्यों नहीं अपने जीवन को बदल सकते, क्यों नहीं भक्ति के मार्ग पर चल सकते और प्रभु को प्राप्त कर सकते। जरूर कर सकते हैं, बस हमें एक प्रयास करने की ज़रूरत है। वो प्रयास हमें परमागति की तरफ ले जाएगा, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद भर देगा। कैसी लगी आपको ये कथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। कृपया करके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। राधे राधे।